Sales is considered as one of the most rewarding career, and I agree to it. I'll tell you my reasons. Number one, salespeople have full control on their clients and customers. अगर आपके relationship आपके clients से अच्छे बन जाते हैं, then you have the complete control and the feeling of control of that client or customer in your hands, जो किसी भी profession में नहीं हो पाता है. Number two, creativity. अगर आप नोटिस करेंगे, सेल्स वालों को हर तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और वो प्रॉब्लम्स फेस करने की वजह सेल्स वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी अपने कस्टमर क्लाइंट्स के साथ ही नहीं यूज़ करते हैं, वो क्रिएटिविटी इंटरनल कस्टमर्स या इंटरनल प्रेजेंटेशन में भी यूज़ करते हैं. यू विल फाइंड वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्रेजेंटेशन एवर गिवन बाय सेल्स पीपल ओनली. नंबर थ्री इज ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम. आप वैसे तो जनरली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है और फील्ड टू फील्ड भी डिपेंड करता है, मगर मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में आपको टास्क दिए जाते हैं, बताया जाता है. सेल्स वालों को टास्क एक बार दिया जाता है एंड दे मेक देयर ओन प्लान एंड दे मेक देयर ओन गोल्स. उसके बाद अगर उनके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो उनको ऑटोनॉमी मिलनी स्टार्ट हो जाती एंड दे मूव बाय देयर ओन. और ये ओनरशिप की फीलिंग और ये फ्रीडम की फीलिंग सेल्स वालों को सबसे ज़्यादा मिलती है. नंबर फोर, जिसका इंतज़ार लोग नंबर वन पर करते हैं, मैंने इसको नीचे इसलिए रखा है क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेल्स वालों को भगाती रहती है, दौड़ाती रहती है. एंड दैट्स द गोल्ड रश, दैट्स द इंसेंटिव स्कीम्स, दैट्स द कमीशन, बोनस, ब्राउनी पॉइंट्स एंड व्हाट नॉट. ये सारी की सारी फैसिलिटीज एंड चीज़ें दो दूसरी डिपार्टमेंट्स में भी होती हैं, मगर सबसे ज़्यादा सेल्स वालों को मिलती हैं. नॉट ओनली दैट, बट यू ऑल्सो सी पीपल हु हैव डन सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट थॉटफुल and impactful leaders in their careers, because when they start using their emotion and their emotional sellings, their EQ becomes a little better, and a leader having a better EQ is considered to be one of the best ones.